हरियाणा में कोरोना संक्रमित के केस वक्त के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा मामला तो शाम का है, जहां निजामुद्दीन मरकज से लौटे गांव संडवा के एक व्यक्ति अब्दुल्ला का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। जानकारी के मुताबिक दो दिन पहले ही अब्दुल्ला को गांव से क्वारंटाइन किया गया था और उन्हें लोहानी गांव के एक अस्पताल में रखा गया था, जहां शुक्रवार देर रात उसकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। प्रशासन ने अब्दुल्ला की पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही पूरे गांव को सील कर दिया है। इस संबंध में एसडीएम तोशाम संदीप कुमार आज सुबह ही अपने काफिले के साथ गांव पहुंचे और उन्होंने गांव वासियों से अनुरोध किया कि वो लॉकडाउन का पूरा पालन करें, किसी तरह की अफवाहों के ऊपर विश्वास ना करें। प्रशासन किसी को भी किसी भी सामान की कमी नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। प्रशासन उचित कार्रवाई कर कोरोना पर नियंत्रण करने की पूरी कोशिश कर रहा है। मैं अब संडवा गांव में हूं और मैं संडवा गांव के वासियों से, जो ग्रामवासी है, मैं उनसे सिर्फ अपील करना चाहता हूं कि आप घबराए ना। इस संकट की घड़ी में प्रशासन आपके साथ है। खाने पीने की वस्तुएं सब कुछ हम आपको मुहैया करवाएंगे और कोई भी झूठी अफवाह ना फैलाए। प्रशासन आपके साथ है, कुछ गलत नहीं होने देंगे और बिल्कुल स्थिति को सामान्य हो जाएगा और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे का साथ दो, अपने घरों में रहो, किसी से मिलना नहीं, ताश नहीं खेलने, उक्के पे नहीं किसी के जाना, किसी से कोई मतलब नहीं, सब अपने घर में रहो। प्रशासन खाने पीने की वस्तुओं की खुद अपने उस पर ये प्रयास कर रहा है और पुलिस भी आपके साथ और पूरा प्रशासन और सरपंच साहब के जो निर्देश है उनका पालन कीजिए, अन्यथा कानून अपनी कार्रवाई करेगा, प्रशासन अपनी कानूनी कार्रवाई करेगा। बहरहाल अभी तक भिवानी जिले में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं था, लेकिन अब तो शाम क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से समस्याएं बढ़ गई हैं। संडवा गांव में वही कर्फ्यू लगा दिया है, धारा 144 पूरा गांव सील कर दिया भाई। गांव में फोर्स आ गई है, हर रोड हर रास्ता जाम, कोई जरूरी काम से ही किसी को बाहर जाने दिया जाएगा। ये अपना धनवाना जोड़ पर फिलहाल अनाउंसमेंट करने लग रही है पुलिस, कोई घर से बाहर ना निकले भाई।